हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल रेडी केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क का ये हमारा जो वीडियो है वो है पार्ट 7। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए हम एक एक टॉपिक्स हर एक पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मेरे जो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल अब्दुल रेडी केयर पर जाकर देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7, यानी कि हम इसमें कौन सा टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स। तो हमें कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 5, ये डिजिट से हमें बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने होंगे। तो देखते हैं कैसे बनाना है और लर्न करते हैं फ्रेंड्स। तो ताई, लेट्स मिक्स 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2, 3 एंड 5। तो हमें 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 5, ये 3 डिजिट दिए गए हैं। ये 3 डिजिट अलग अलग हैं, इन तीनों डिजिट को यूज़ कर हमें एक 3 डिजिट, बिगेस्ट 3 डिजिट, बड़ा 3 डिजिट नंबर बनाना है। डू वी यूज़ वन डिजिट ओनली वंस। ये सोनू का क्वेश्चन है कि हम एक डिजिट खाली एक ही बार यूज़ कर सकते हैं क्या। टोनी अभी कह रही है यस, अदरवाइज वी विल गेट टू मैनी नंबर्स। अभी टोनी कह रही है कि हाँ, हमें एक डिजिट एक ही बार यूज़ करना, नहीं तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। इधर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स पर आप ध्यान मत दीजिए, ये एग्जांपल्स है। क्योंकि अगर हम एक नंबर को बहुत टाइम यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, सो मैनी नंबर्स लाइक दिस, इसके जैसे ही हमें बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। सलमा, बट इफ वी यूज ईच डिजिट ओनली वंस। अभी सलमा कह रहा है कि अगर हम एक डिजिट को सिर्फ एक बार यूज करेंगे, ऑफ कोर्स वी गेट ओनली दिस नंबर्स। बट हम एक ही डिजिट को एक ही बार यूज करेंगे तो हमें सिर्फ इतने ही नंबर मिलेंगे, 6 नंबर्स ही मिलेंगे। वो कैसे देखते हैं, देखो दोस्तों, इतने नंबर्स हैं, अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कंपेयर दिस एंड डिसाइड विच वंस आर स्मॉलर एंड विच वंस बिगर। अभी इनको कंपेयर करना है, तुलना करनी है और बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। टोनी, 532 एंड 523 हैव द बिगेस्ट 100 डिजिट्स। इफ यू कंपेयर दिस टू 32 इज बिगर देन 23। तो दोस्तों, अभी इतने नंबर्स बने, इनमें से 532 और 523 ये दो बड़े नंबर है, क्योंकि ये तो 300-200 है, तो 500 ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो हमने 100 की प्लेस पर देख के पता लगा लिया कि जो 532 और 523 ये दो नंबर्स इन चारों 6 नंबर्स में से बड़े हैं। अभी इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है, 532 या 523, ये पहचानने के लिए इन दोनों का 100 का तो डिजिट सेम है, हम कंपेयर करेंगे अभी 32 को 23 से। तो हमें मालूम पड़ा कि 32 जो है वो बिगर नंबर है, इसीलिए 532 जो है नंबर सबसे बड़ा नंबर है। सलमा, ऑफ द नंबर वी मेड हियर टेक दोज विथ 2 इन द 100 प्लेस। अभी देखो, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 5, तो 500 वाला जो 532 नंबर जो था वो सबसे बड़ा था। अभी सबसे छोटा नंबर पहचानना है तो आपको जो 2 जिसके 100 के प्लेस में 2 है वो नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तो वो कौन से है, 235 और 253। अभी 235 और 253 में से दोनों के प्लेस पे 100 है, तो अभी हम टेंस और यूनिट के प्लेस में नंबर जो है वो देखेंगे। टेंस के प्लेस में कौन सा नंबर है और यूनिट के प्लेस में 35 और 53। 35 और 53 में से 35 बड़ा है, इसीलिए हम उसके उधर मगरमच्छ का मुंह खोल देंगे। तो 253 जो नंबर है वो सबसे 223 जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए ताई कहती है वेरी गुड। नंदू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल द नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, कुड नॉट वी मेक द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्ट्रेटली अवे। ये सारे नंबर्स बना के देखने के बावजूद हम डायरेक्टली एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर क्या नहीं बना सकते इन सारे डिजिट्स को चूज करके, तो ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं। टोनी, यस ऑफ कोर्स,
द बिगेस्ट नंबर विल हैव द बिगेस्ट डिजिट इन द 100 प्लेस। अगर आपको बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे पहले एक बड़ी डिजिट चूज करनी है जो 100 प्लेस में होनी चाहिए। जैसे कि इधर 2 दिया गया था, 3 दिया गया था और हमें क्या दिया गया था, 5 दिया गया था। तो हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो पहले 5 ढूंढना पड़ेगा। देन टू मेक द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग 2 डिजिट्स वी पुट द बिगर नंबर इन द 10th प्लेस। अभी हमने एक डिजिट चूज कर ली, फिर अभी हमें नंबर बनाना है बड़ा, तो हमें अभी नेक्स्ट बिगर नंबर कौन सा है, 5 को छोड़ के कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 2 और 3 में से 3। तो अब 3 को हमें 10th की प्लेस में रखना पड़ेगा और जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो यूनिट के प्लेस में, तब जाके हमारा जो नंबर है वो सबसे बिगेस्ट नंबर बन जाएगा ऐसे करके। सो टेक द बिगेस्ट नंबर, राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर अब आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि बड़े से छोटा। जैसे कि हमने 5th पार्ट में देखा था कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है अगर हम आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है तो। बिगेस्ट नंबर तो देखो इधर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर है 5, फिर उसके बड़ा 3, फिर 2। तो ये जो है हमारा बन गया सबसे बिगेस्ट नंबर, बन गया ना फ्रेंड सबसे बिगेस्ट नंबर। अभी हमें सबसे स्मॉलर नंबर पता करना है। सो टू मेक द बिगेस्ट नंबर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। अभी सनमा, आई विल से हाउ टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 गिवन डिजिट्स। अभी ये जो सनमा नाम का लड़का है वो हमें बताएगा कि कैसे 3 डिजिट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पहचानना है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द 100 प्लेस एंड द बिगेस्ट डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, द रिमेनिंग डिजिट गोज इन द 10th प्लेस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो आपको 100 प्लेस में लिखनी है। 2, 3, 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। और अभी तो दोस्तों सबसे जो छोटा डिजिट था वो हमने चूज कर लिया पहले छोटा नंबर लिखने के लिए। अभी हमें बड़ा डिजिट चूज करना है, बड़ा कौन सा है, 5। 5 को हमने लिखना है यूनिट प्लेस में। सॉरी ये गलती हो गया, मैं इसे मिटा देता हूँ इरेजर से। तो इरेजर होता है यानी कि रबर। तो 2 हमारा सबसे छोटा था, अभी सबसे बड़ा डिजिट है 5, तो 5 को हम लिख देंगे यूनिट प्लेस में। और जो बचा हुआ डिजिट रहेगा 3, उसे हम लिख देंगे 10th की प्लेस में। तो ये वाला जो 235 है, जो 235 ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स में हमारा 235 ही आएगा, आप इधर देख सकते हो फ्रेंड्स 235। तो देखो दोस्तों इस तरह से आपको बनाना है, पहले आपको छोटा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा 2 था, फिर सबसे बड़ा, बड़ा जो है 5, जो कि यूनिट प्लेस में लिखना है, और बचे हुआ नंबर बीच में 10th की प्लेस पर। अब इसने बता दिया, इट मीन्स दैट इफ वी राइट द गिवन डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो अगर हम जो डी वी डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमें जो डी वी डिजिट को अगर हमें सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर 2 था, फिर उसके बाद 3 था, फिर उसके बाद 5 था। तो छोटे से बड़ा ऐसे नंबर्स आपके इंक्रीज होने चाहिए, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। अगर आपको बिगर नंबर बनाना है तो डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। सोनू, सपोज देर आर डैश अ 0 गिवन, डू वी स्टिल डू द सेम। अगर आपको ये कंडीशन में 2 दिया गया है, 5 दिया गया है और 0 भी एक डिजिट दी गई है, तो अगर आप ऐसे ही करना पड़ेगा तो इसका आंसर है नो। आप ऐसे करोगे तो आपको 2 डिजिट ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि 0 को अगर आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो कंसिडर्ड ही नहीं होगा 0। तो आपने अभी लिख दिया 0, 5, 2, तो ये हम कैसे लिख करेंगे 52, ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो वो रहेगा 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। हमारी जो ताई है वो हमें सिखा रही है इधर, तो अभी ताई कह रही है नो इफ़ वी डू दैट विल गेट अ 2 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 3 डिजिट नंबर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर मिलेगा, 3 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। लेट्स टेक 502। जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल बता दिया था, वैसे ही ताई ने भी एक एग्जांपल बता दिया हमें 5, 0 और 2 लेने का।
If there are 0 in the 100 place, we will get the number 0, 25 or 0, 52. ऐसे हमें numbers मिलेंगे. But this can be written as 25 or 52. पर ये number को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 और 52 ही लिखेंगे. In 2 digits. So they are already 2 digits numbers. अगर हम ऐसे भी लिखते हैं 0, 25 और 0, 52, 52. तो ये हम 0 को हम consider नहीं करते, starting में रहता है तो. बीच में रहता है तो कंसीडर करते हैं. तो अगर जीरो स्टार्टिंग में रहता है तो कंसीडर नहीं होता फ्रेंड्स. तो इसे हम 25 और 52 ही कहेंगे क्योंकि ये एक टू डिजिट नंबर्स बन जाएगा, ना कि थ्री डिजिट. तो आपको अगर ऐसे आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको रॉन्ग मिल जाएगा फ्रेंड्स. तो ऐसी गलती करना भी मत. तो अभी मैं इसको बताऊँगा क्या कर सकता नंदू. सो इफ अ जीरो इज गिवन, लेट्स सपोज द स्मॉलर नॉन जीरो नंबर इन द 100 प्लेस. अगर आपको जीरो दिया जाता है तो आपको क्या करना है, जीरो को पहले 100 प्लेस पर नहीं डालना है. जो नॉन जीरो, जो नहीं जीरो नंबर है, जो छोटा नंबर है पर जो जीरो नहीं है, वो नंबर को आपको क्या करना है दोस्तों, वो नंबर को आपको डालना है 100 प्लेस में. जैसे कि सपोज आपको दिया गया है 2, 5 और 0. ये तीन डिजिट दिए गए हैं, इससे आपको बताया गया है कि सबसे छोटा नंबर बनाना है. तो आपको क्या करना है, पहले आपको जीरो को नहीं रखना है, जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर देखना है. जीरो को छोड़कर अभी कौन से दो नंबर बचे हैं, 2 और 5. 2 और 5 में से जो छोटा नंबर रहेगा वो पहले लिखना है 100 की प्लेस में. तो 2 छोटा है तो वो लिखेंगे. अभी आपको क्या करना है, सेकेंड समय अभी आपको 10 की प्लेस पे कभी भी जीरो डालना है. 10 की प्लेस पे सेकेंड नंबर पे जीरो डालना है. फिर जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो आपको यूनिट प्लेस पर लिख लेना है. तो ये हमारा बन गया सबसे छोटा नंबर 250 से. हमारा ये जो डिजिट से सबसे छोटा नंबर है 205. सलमा. Then we will write 0 in the tens place and the remaining digit in the units place. सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा नंबर जो रहेगा नॉन जीरो को छोड़कर, सबसे छोटा नंबर 100 की प्लेस पर, और जो जीरो रहेगा उसको हम टेंस की प्लेस में लिखेंगे, और जो नंबर बच जाएगा यानी कि 5 उसे यूनिट प्लेस पे लिख देंगे. ताई. यस. सो द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम 502 इज 205. अभी मेक द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट. तो इधर कुछ डिजिट दिए गए हैं, इससे सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमें बनाने. तो दोस्तों अभी सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. यानी कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, फिर छोटा, फिर छोटा. तो अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है सबसे बड़ा ढूंढने के लिए. तो आप सबसे बड़ा डिजिट ढूंढें. सबसे बड़ा कौन सा है, 9. फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, 6. फिर उसके बाद 4. ये है बिगेस्ट डिजिट. बिगेस्ट मैं बी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में. अभी स्मॉलेस्ट जो रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना. 4, 4, 69. ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा. अभी इधर इनके जीरो दिया गया है तो बिगेस्ट नंबर हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स. बिगेस्ट नंबर हम लिखेंगे, पहले हम सबसे बड़ी डिजिट ढूंढेंगे, फिर हम पहले क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, सबसे बड़ा फिर छोटा, फिर हम लिखेंगे जीरो. फिर अभी स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको थोड़ा ट्रिक लगाना है. आपको पहले जीरो नहीं लिखना है स्मॉलेस्ट के लिए, आपको पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है 7 और 4 में से. सबसे छोटा है 4. फिर उसके बाद सेकेंड आपका जीरो रखेगा, फिर जो नंबर बचेगा 7 वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा. अभी आपको बिगेस्ट तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है 9, 5, 3. ये हो गया सबसे बिगेस्ट नंबर. और स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि छोटे से बड़ा. तो आपको पहले 3 ढूंढना है, फिर 5 ढूंढना है, फिर 9 ढूंढना है. फिर बिगेस्ट नंबर के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि बड़े से छोटा 9, 8 और 5. ये जो है हमारा 985 बिगेस्ट है. और अभी सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो सबसे छोटा कौन सा रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5, 8, 9. तो ये हो गया. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे हम स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स बना सकते हैं गिवन डिजिट से. यानी कि कुछ थ्री डिजिट्स नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उसको आपको यूज़ कर आपको स्मॉलेस्ट और
बिगेस्ट नंबर बनाने हैं। तो कभी भी एक पॉइंट याद रखना कि जो अगर नंबर दिया जाता है बिगेस्ट नंबर बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि बड़े से छोटा, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना यानी कि छोटे से बड़ा, तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। इनकेस आपको जीरो दिया जाता है वो डिजिट में, तो आपको बिगेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, पर अगर स्मॉलेस्ट दिया जाता है नंबर पूछा जाता है तो आपको छोटा नंबर जो रहेगा जीरो को छोड़कर वो आपको 100 की प्लेस पे लिखना है, और जो जीरो रहेगा वो टेंस की प्लेस पे, और जो रिमेनिंग नंबर रहेगा वो यूनिट की प्लेस में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेट।